इस कार्यक्रम के पुण्यार्शक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतन मणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। यस्य स्वयं स भावाप्ति भावे कृष्ण कर्मणा भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलेंगे, आज हम चौथे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बारे में समझेंगे। चौथे नंबर के श्लोक में, चौथे नंबर की कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, चौथे नंबर का श्लोक निकालेंगे सभी लोग। यत्र भावा शिवं दत्ते द्योकियद्दुर्वर्तिनी योनत्याशु गव्यत्वीम क्रोशार्धे किं ससीदति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं यत्र भावा शिवं दत्ते, समझना आप यहाँ क्या कह रहे हैं। यत्र भावा, जिन भावों से, जिन परिणामों से, जिन विचारों से, जो तुम्हारे जीवन के स्वभाव से शिवम दत्ते शिव पद की प्राप्ति होती है, जियो की दुर्वर्तनी उसके उन भावों से ध्रुव माने स्वर्ग की दुर्वर्तनी कितना दूर है। जिन भावों से तुम मोक्ष जा सकते हो उन भावों से स्वर्ग में जाना क्या मुश्किल काम है। और कह रहे हैं यो नत्यासु गव्युतम, ख्याल करना यो नत्यासु गव्युतम, जो मनुष्य दो कोस तक आंसु नयति भार लेकर जा सकता है, क्रोशार्धे किम सा सीदति, मतलब वो व्यक्ति आधा कोस अगर भार लेकर जाए तो इसमें क्या दुख की बात है, कोई दुख की बात नहीं है। अब समझे, जो आपके परिणाम है ना, जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, इन्हें कभी खराब मत होने देना, क्योंकि आपके पास तन तुम्हारा नहीं है ना साथ में जाएगा, साथ लेके चले जाओ गुवाहाटी वाले, तन तुम्हारा नहीं है, धन तुम्हारा नहीं है। आप विचार करके रखना, तन भी यहीं रह जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं रह जाएगा, व्यापार भी यहीं रह जाएगा, सारी दुनियादारी यहीं रहने वाली है, और जो यहीं रहने वाला है उसके प्रति इतना आसक्त क्यों, जो सब यहीं छूटने वाला है उसके प्रति इतना राग द्वेष क्यों, जो सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे छाएगा। आचार कह रहे हैं ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सब यहीं छूटेगा, लेकिन तुम्हारा क्या है, यत्र भावा, भाव तुम्हारे हैं, विचार तुम्हारे हैं, परिणाम तुम्हारे हैं, जो भाव जो विचार तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे, और वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे संसार में।
ख्याल करना, वो भी परिणाम, वो भी भाव, वो भी विचार तुम्हारे संसार तक ही जाएंगे। जिस दिन मोक्ष जाओगे वो भाव भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जा रहे तब तक वो भाव ऐसे करना चाहिए कि हम दुर्गति में ना जाएं, हम पाप बुद्धि में ना जाएं, हम संसार की प्रवृत्तियों में ना फंसे, हम संसार के झंझटों में ना उलझें, कम से कम उतने तो भाव अच्छे रखते रहो। पूजपा स्वामी बड़ा उपकार करते हैं हम सब श्रावकों के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर, मोक्षगामी के ऊपर। वो इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, नादान इंसान, तुम्हारे भाव तुम्हें मोक्ष दिलाने वाले हैं और तुम कहाँ संसार में फंस रहे हो। तुम्हारे भाव तुम्हें मोक्ष की सुख की दिलाने वाले, प्राप्ति को दिलाने वाले हैं और कहाँ तुम संसार के सुखों में फंस रहे हो। आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे भाव अनंत सुख दिलाने वाले हैं, कहाँ तुम क्षणभंगुर सुखों में फंसे जा रहे हो। मैं आपसे पूछूं, एक जगह कोहिनूर हीरा रखा है और एक जगह पत्थर रखे हैं, आप कोहिनूर उठा हीरा उठाओगे या पत्थर उठाओगे? कोहिनूर उठाओगे। एक जगह अमृत बरस रहा है और एक जगह जहर बरस रहा है, तो अमृत की जगह जाओगे या जहर की जगह जाओगे? आप विचार करके रखना, एक जगह बहुत सुंदर सा गार्डन है और एक जगह कचरा ही कचरा है, तो गार्डन की ओर जाओगे या कचरा की ओर जाओगे? गार्डन की ओर जाओगे। आप विचार करना, एक जगह बहुत सुंदर सी लग्जरी गाड़ी खड़ी है और एक जगह खटारा खड़ी है, आप लग्जरी में जाओगे या खटारा में जाओगे? ख्याल करके रखना, एक तरफ आपको मालूम है ये मनुष्य देह परमात्मा का पद प्राप्त करा सकता है और यही मनुष्य देह भोगों की सामग्री दिला सकता है, तो भोगों में जाओगे या योगों में जाओगे? विचार तो ऐसे ही है, लेकिन विचार को क्रिया रूप में करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। जो व्यक्ति हाथ धोने के लिए मिट्टी के लिए चंदन का खेत जलाए, चंदन का वन जलाए, काय के लिए जला रहे हो भैया? हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी नहीं है, चंदन का पेड़ जला दो, वो समझदार है या ना समझदार? ना समझे ना। एक बिल्ली को गिल्ली डंडा खेलना है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो कह रहा है बिल्डिंग को तोड़ दो, हमें गिल्ली डंडा खेलना है, वो समझदार है ना समझदार? ना समझदार है। आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये जो अमृत भरा पड़ा है ना, हमें स्नान करना है, ये हमारे ऊपर डाल दो, वो समझदार है ना समझदार? ना समझदार। अब एक व्यक्ति जो मनुष्य पर्याय धारण करके भोगों में लगा है, विषय कामनाओं में लगा है, वो समझदार है या ना समझदार? वो कौन है? हम सब हैं। ख्याल करना, उस व्यक्ति में और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जिन भावों से, जिन परिणामों से, जिन विचारों से हम संसार के सारे सुख तो छोड़ो वो अनंत सुख को पा सकते हैं, हम उन सुखों से, उन भावों से, उन परिणामों से हम संसार की वस्तु मांगते हैं, संसार की इच्छा रखते हैं, संसार की चाह रखते हैं। ख्याल करना, आचार अगली लाइन में कह रहे हैं, जिन भावों से यत्र भावा शिवम दत्ते ध्यो की दुर्वर्तनी, ध्रो मतलब स्वर्ग, जिनसे तुम मोक्ष जा रहे हो, ख्याल करना मोक्ष यहां से 7 राजू रह गया है बस, 14 राजू का लोक है, 7 राजू की हमने यात्रा कर ली है, 7 राजू ही और जाना है, आधी तो हमने पूरी कर ली यात्रा। और आप ख्याल करो, यहाँ से कोई तीर्थ वंदना पे जा रहे हो और आधा रास्ता तय हो जाए तो मन में खुशी होती है कि चलो आधा तो पार, आधा पार हो गया, अब आधा ही तो रह गया है और आधे में इतना मेहनत। ख्याल करो, 84 लाख योनियों में भटक भटक कर, भटक भटक कर ये आखिरी योनी प्राप्त रह गई है, मनुष्य पर्याय मिल गया है। और ख्याल करना, ये जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कुछ ही भव मनुष्य के पाता है,
अड़तालीस भाव ये मनुष्य पर्याय के पाता है। निगोद से ये जीव निकला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 48 भाव इसने मनुष्य पर्याय के पाई। मनुष्य पर्याय में 48 में भी 16 भाव तो निकल गए स्त्री के, 16 भाव निकल गए नपुंसक के, अब 16 रह गए केवल पुरुषों के। स्त्री में आप पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, नपुंसक में आप पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, और तो और 16 भाव जो पुरुष के हैं उन्हीं में तुम मोक्ष को पा सकते हो अगर तुमने भाव और परिणाम निर्मल कर लिए। कमाना धमाना व्यापार करना अनंत काल से करते चले आ रहे हो। समय सार में कल हमारे पंडित साहब बता रहे थे, ये तस्व लंबो ना शुभ लंबो वीत ही काम भोग वंद कहा, ये तस्व लंबो काम भोग वंद कहा, ये तस्व लंबो ना शुभ लंबो वीत ही। सुलभ नहीं है आत्मा की चर्चा, सुलभ नहीं है आत्मा की चर्चा, सुलभ नहीं है। और आत्मा की चर्चा भी सुलभ है लेकिन आत्मा की चर्चा आत्मा से करना सुलभ नहीं है। शब्दों से करना तो सुलभ है, आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, आत्मा सोतो नथी, ये तो बहुत सुलभ है हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आत्मा की चर्चा आत्मा से करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने परिणामों को खराब मत करो, आप अपने विचारों को खराब मत करो, क्योंकि ये विचार जो है ना एक बार स्थिर हो गए ना तो इन्हीं विचारों से तुम हमारा जैन धर्म द्रव्य पे कम भावों पे ज्यादा ध्यान देता है। हमारा जैन धर्म जो है वो द्रव्यों पे कम भावों पे ज्यादा ध्यान देता है। वो इतना ही कहता है भावना भव नाशनी, भावना ही है वो भवों को नाश कर देता है। एक आदमी ख्याल करके रखना कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन भावों में अगर वो उन चीजों को याद करता है तो उसका संसार बढ़ता चला जाता है। और एक आदमी सारे कार्य कर रहा है लेकिन भावनाओं में उसकी दृष्टि आत्मा के सम्मुख है तो वो संसार को काटता चला जाता है। केवल विचार बदलो, केवल भावनाएं बदलो, केवल अपना मन बदल लो, मन बदलते ही दुनिया बदल जाएगी। वस्तु वही है लेकिन उसमें भाव दशा तुम्हारी क्या है, भाव दशा तुम्हारी क्या है। वस्तु तो वही है, अगर तुमने भाव उसमें अच्छे कर लिए तो तुम्हारे जीवन के अल्प समय रह जाएगा, और अगर तुम्हारे भाव खराब हो गए, ख्याल करना भावनाओं का इतना बड़ा प्रभाव बताते हैं, भावनाओं का इतना बड़ा प्रभाव बताते हैं कि अगर आप एक क्षण को भी अंतर्मुखी होते हो, बाहिर्मुखी तो हो अंतर्मुखी होते हो, एक क्षण को भी अपना ख्याल कर लेते हो, साधु 24 घंटे अंतर्मुखी रहते हैं। ख्याल करना, सोचना, विचार करना, श्रावक में और साधु में क्या अंतर है, श्रावक में और साधु में क्या अंतर है। साधु रुका हुआ, साधु चलता हुआ भी रुका हुआ ही, आगे आएगा तब बताऊंगा। अभी इतना ही विचार करके रखना साधु अंतर्मुखी होते हैं। भावनाएं तुम्हारी कैसी होना चाहिए। कहते हैं हमें अपने जीवन में सामायिक जरूर करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को घर में बैरागी कहा तो क्या उन्हें सामान से रागद्वेष नहीं था क्या, 96,000 रानियां थी रागद्वेष नहीं था क्या, सब कुछ था, पत्नी थी, पटरानी थी, सभी से उनको चलता था, लेकिन अनासक्ति योगी थे। लेकिन हम जब कल पढ़ रहे थे तो मालूम पड़ा कि भरत को घर में बैरागी क्यों कहा। वो सारे राज पाठ को करते करते भी 3 बार की सामाय करते थे, सुबह सोचकर सामाय करते थे, दोपहर में सामाय करते थे, शाम को सामाय करते थे। ख्याल करके रखना सामान का होना और नहीं होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, सामान के प्रति आसक्ति का भाव होना और न होना ये महत्वपूर्ण है, और उसके बाद अंतर्मुखी होना। भरत चक्रवर्ती अपने घर पे रोज चौक पूरते थे, और चौक पूरने के बाद किसी ने पूछ लिया ये चौक क्यों पूरे जा रहे हैं। ख्याल करना उनका कोई भी अतिथि आएगा
पहले आहार देना है फिर आहार करना है। भरत चक्रवर्ती की यहाँ व्यवस्थाएं होती थी कि कोई भी साधु आए तो पहले आहार दो फिर आहार भोजन करना, 9 बजे 10 बजे तक अतिथियों की व्यवस्था करते थे, चौक पूरते थे। रक्षाबंधन आ रही है, घर घर चौके लग जाना चाहिए, हर घर के द्वार पर चौक पूर लेना, महाराज आए या ना आए चौका तो लगा ही लेना। आप विचार करके रखना रक्षा बंधन को अभी आ रही है, और ख्याल करना 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, घर घर चौके लगे, चौक पूरा। और आप लोग करते भी होंगे, घर के द्वारे वो बनाते हैं और घर चौक पूरते हैं, बस उस दिन शुद्ध भोजन भी बना लेना सिवैया का, महाराज आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो तुम महाराज के यहाँ चले जाना, आर तो हो ही जाएगा। तो इतना विचार करना, भरत चक्रवर्ती रोज चौक पूरते थे और 3 बार की समाई। मुझे यहाँ गुवाहाटी में बहुत अच्छे लोग मिले। ख्याल करना शाम की सामायिक सामूहिक सामायिक होती है, मैं तो सुबह भी करने को तैयार हूँ, लोग आ जाएं तो। दोपहर में भी हमारा पूरा संघ सामायिक में बैठता है एक साथ, और जो लोग आते वो भी बैठते हैं, दरवाजा खुला रहता है। शाम को यहाँ गुरु भक्ति आरती के बाद ऐसी भीड़ लगती है, उधर माता जी के कमरे में सब लेडीज हैं बच्चियाँ, इधर महाराज जी के कमरे में सब बच्चे, और इधर हमारे कमरे में सारे पुरुष वर्ग, पूरा कमरा फुल हो जाता है, 10 से 15-20 लोग बैठते हैं। शाम को गुरु के साथ बैठकर सामायिक करते हैं। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान इनके संस्कार पड़ जाए, हमारे जाने के बाद भी ये चारों तरफ आवृत करके ऐसे सामायिक करते रहे, तो मैं जाने के बाद भी हमेशा इनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, हमेशा ये पावरफुल बने रहेंगे, हमेशा ये अंदर की बात समझते रहेंगे। ख्याल करना आप घर में भी रहो सामायिक करो, क्योंकि वो भाव सामायिक में जो परिणाम निर्मल होंगे ना, सामायिक में कोई डिमांड मत करना, कोई इच्छा मत रखना। ये इच्छाएं तो संसार का कारण है, इच्छाएं जो हमारी होती हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब संसार का ही कारण है, कभी नहीं रखो। हमें अपने परिणामों को, भावों को, विचारों को निर्मल बनाते जाओ। आप ख्याल करो, कोई वस्तु की तुम्हें चाह होती है, वस्तु की प्राप्ति नहीं है तभी तक वस्तु में इंटरेस्ट है जितेंद्र भाई, जब तक वस्तु हमें मिली नहीं है तभी तक वस्तु अच्छी लगती है, और मिलने के बाद 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। तो इच्छाएं अपनी उसे नहीं मिलने में रखो, जब तक नहीं मिली है तभी तक। अब शादी नहीं हुई किसी तो सोचता हो जाए हो जाए हो जाए, 4 दिन बाद पूछो आप फंसा दिया महाराज। आप विचार करके रखना, जब तक हुई नहीं है तभी तक इच्छा है, और उसने होने के बाद तो ताजिया ठंडे हो जाते हैं। हमें इतना ही, लेकिन फिर भी हमारा मन भटकता हो, अपने आप पर काबू ना हो, संसार में नहीं हम अपने आप को संन्यास में ले पाए, तो वो सदगृहस्थ की व्यवस्था भी बनाई गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने को इच्छाओं में महत्वाकांक्षाओं में मत जोड़ो, अपने को अच्छे परिणाम जितना निर्मल जितना सीमित कर सको अपने को करो, जितना सीमित करोगे उतना तुम समिति में चले जाओगे, और समिति में चले गए तो ख्याल करके रखना तुम्हारा संसार का इति होना प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यक्ति सीमित होता है वो समिति में जाता है, और जो समिति में जाता है उसका संसार इति 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 होने लग जाया करता है, और जो सीमित नहीं होता है संसार उसका बढ़ता जाता है, कम से कम बाहर से नहीं तो अंदर से तो सीमित हो जाओ। आचार्य यहां कह रहे हैं दूसरी लाइन में, यो नत्यासु गव्यतुम क्रोसाध्य किम सा सीदिति। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति मोक्ष जाने की भावना भा रहा है उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है। जो 2 कोस चल सकता है गव्युति, 2 कोस चल सकता है सामान लेकर, आधा कोस जाने में क्या देरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे
सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता, श्री 1008 चिंतामणि पार्श्व।